हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा छठी से दसवीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः सरस्वती नमः। कक्षा नौवीं संस्कृत शेमुशी के शगन अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में नौवीं कक्षा का पांचवा पाठ शुक्ति मौक्तिकम पढ़ा जाएगा। इस चैनल पर कक्षा नौवीं के सभी पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। प्रत्येक पाठ के प्रत्येक शब्द को उसके व्याकरण के अध्ययन के अनुसार पढ़ाया हुआ है, यानी उसमें शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय क्या चीज है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यानी कि आप केवल नाइन्थ ही नहीं टेंथ बोर्ड का बेस बनाओगे अगर नाइन्थ में इस तरीके से अध्ययन करोगे तो। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाओ हमारे चैनल के और कक्षा नौ संस्कृत पाठ्य पुस्तक में पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट में 12 पाठों को पढ़ो और कक्षा नौ संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में 30 से 35 टॉपिक है, उनको भी आप सघन तरीके से अध्ययन करो। चलिए शुरू करते हैं शुक्ति मौक्ति का। शुक्ति का संधि विच्छेद शु धन उक्ति मौक्तिकम यानी मोतियों के समान, शु यानी अच्छी, उक्ति यानी पंक्तियां, मोतियों के समान अच्छी पंक्तियां यानी ऐसे श्लोक जो अनमल वचन की तरह है। यह पाठ न केवल आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ने के लिए है बल्कि इस पाठ में जो भी श्लोक संग्रहित है वो अपने जीवन में उतारने लायक है। तो क्या लिखा हुआ है इसके आमुख में, यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाओं के प्रदायक के रूप में है। इस पाठांश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके विभिन्न नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को संग्रहित किया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकार का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। उसमें प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके जीवन को सफल कर सकते हैं। सबसे पहला श्लोक देखिए, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तः वृत्ततः तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिया हुआ है। यहाँ जो यह श्लोक है इसका वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मैं हलंत हुआ एति अलग हुआ चै याति चै अक्षीणों का अक्षीण बन गया उद्वेशक संधि से वित्ततः क्षीण क्षीणों का क्षीण बन गया वृत्ततः वृत्ततः ठीक है ना। आधे से विसर्ग बन गया शत्व विसर्ग संधि से तुक अलग हो गया फिर हतः हतः ठीक है ना हतः अलग हो गया उत्व विसर्ग संधि से और फिर ये हतः इसके जैसे जैसे यहाँ पर लास्ट में ओ आता है ना उसका अपन विसर्ग बना सकते हैं उद्व विसर्ग संधि से यानी इसके और इसके बीच में संधि है विच्छेद करेंगे तब इधर हतः प्लस हतः बनेगा आया समझ में। अब अपन इसका अनुवाद करने जाते हैं। अनुवाद से पहले अन्वय होता है। अन्वय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू हिंदी अनुवाद संस्कृत को सेट करना। तो कैसे वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च यहां पर बिल्कुल सही से लिखवा वित्ततः अक्षीण वित्ततः अक्षीण यहाँ वित्ततः क्षीण अक्षीण पहले वित्तता फिर क्षीण अक्षीण फिर वृत्ततः हतः तु हतः वृत्ततः हतः तु हतः आया समझ में। फिर अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। यहाँ बात ये बताई गई है मनुस्मृति में कि चरित्र के प्रयत्न द्वारा रक्षा करनी चाहिए और धन की रक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि धन तो आता है और जाता है क्योंकि धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। बात समझ में आई। कहानी नहीं सुननी है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर वृत्तम चरित्र की यत्नेन तृतीय विभक्ति एक वचन प्रयत्न द्वारा संग्रह क्षेत्र
रक्षा करनी चाहिए, चरित्र के प्रयत्न द्वारा रक्षा करनी चाहिए। वित्तम यानी धन, वृत्त का मतलब होता है चरित्र, वित्त का मतलब होता है धन। वित्तम यानी धन, तो एति यानी आता है, चे याति और जाता है, ठीक है ना। एति में ई धातु, ई का मतलब आना, याति में या धातु, या का मतलब जाना। धन तो आता है और जाता है, इस चय का कोई अर्थ नहीं होगा, सारे शब्द कवर हो गए ना। चरित्र के प्रयत्न द्वारा रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और जाता है। वित्ततः क्षीण है, वित्ततः यानी धन के क्षीण है यानी क्षीण होने पर, धन के नष्ट होने पर, अक्षीण है यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता है, अक्षीण है यानी कुछ भी नष्ट नहीं होता है। धन के नष्ट होने पर तो कुछ भी नहीं नष्ट नहीं होता है, लेकिन वृत्ततः यानी चरित्र के हता यानी नष्ट होने पर, तू यानी तो, हता यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है, नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। धन के नष्ट होने पर तो, सॉरी, चरित्र के नष्ट होने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, चरित्र के नष्ट होने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। दोबारा पूरे का बोल रहा हूं, चरित्र की प्रयत्न द्वारा सुरक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामनः समाचरेत। ये आपका किसमें से है? विदुर नीति, ग्रंथ का नाम क्या है? विदुर नीति में से ये श्लोक लिया हुआ है। तो यहाँ धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, देखो चे के अंदर वृद्धि संधि है, चे प्लस एव, वा के अंदर दीर्घ संधि है, एव प्लस अवधार्यताम, दो संधि है यहाँ पर, वृद्धि और दीर्घ, है ना, संधि समास प्रत्यय सब कुछ। ग्रामर आप क्लियर करके फिर पाठ पढ़ो तो पाठ के अंदर तो सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस होती है, बाकी हिंदी अनुवाद कुछ नहीं होता है। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, बिल्कुल सही सही है। दूसरा, तो धर्म यानी धर्म को सर्वस्वम यानी संपूर्ण श्रूयताम यानी सुनना चाहिए, या फिर धर्म को सर्वस्वम यानी पूर्णतया श्रूयताम यानी सुनना चाहिए, धर्म को पूर्णतया सुनना चाहिए। श्रुत्वा यानी सुनकर, एव यानी ही, चय का मतलब और यहाँ आ जाएगा, और श्रुत्वा यानी सुनकर, एव यानी ही अवधार्यताम यानी धारण करना चाहिए, और सुनकर ही धारण करना चाहिए। धर्म को पूर्णतया सुनना चाहिए, धर्म को पूर्णतया सुनना चाहिए, सुनकर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि आत्मने अपने आप को प्रतिकूलानी प्रतिकूल लगने वाली बातों को, आत्मने यानी अपने आप को प्रतिकूलानी यानी प्रतिकूल लगने वाली बुरी लगने वाली बातों को परेशान यानी दूसरों के सामने न यानी नहीं समाचरित यानी आचरण में लाना चाहिए, दूसरों के सामने परेशान यानी दूसरों के सामने न समाचरित यानी आचरण में नहीं लाना चाहिए। अपने आप को अच्छी बात नहीं लगती है वो दूसरों के सामने आचरण में नहीं लानी चाहिए, बात समझ में आया कि नहीं। धर्म को पूर्णतया सुनना चाहिए और सुनकर ही धारण करना चाहिए, अपने आप को बुरी लगने वाली बातें प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए श्रेताम वाला, ये आपके विदुर नीति में से लिया हुआ है। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, चाणक्य नीति में से लिया हुआ ये, है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तव तुष्यन्ति, तुष्यन्ति क्रिया है लास्ट में आएगी, तस्मात् तत् एव, तत् और एव जस्त्व संधि है, वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, बहुत सिंपल श्लोक है। प्रिय यानी प्रिय वाक्य यानी वाणी, प्रिय वाणी प्रदान यानी बोलने से, सर्वे यानी सभी, जंतव यानी प्राणी, जंतु शब्द उकारांत है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, जंतु जंतु जंतव है ना, रघु रघु रघुव जंतव है, तुष्यंत यानी प्रसन्न होते हैं,
क्योंकि ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है, ठीक है ना। सर्वे शब्द पुल्लिंग के अंदर तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। सर्व सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सर्व है, सर्वौ, सर्वे, जंतव है, तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाणी बोलने से सर्वे यानी सभी, जंतव यानी प्राणी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात यानी इसलिए, तदेव यानी उसको ही, उसको किसको, प्रिय वाणी को ही। तस्मात यानी इसलिए, तत एव यानी उसको ही, अर्थात प्रिय वाणी को ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, है ना। वक्तव्य के अंदर वच धातु है और तव्यत प्रत्यय। वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने सप्तमी विभक्ति एक वचन, बोलने में, वचने यानी बोलने में, का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी है, क्या गरीबी है, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या गरीबी है। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या गरीबी है। याद हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा देख लो, है ना, वीडियो को पीछे लेके। अब अपना अगला श्लोक है, ये कहां से लिया हुआ, सुभाषित रत्न भांडागारम, सुभाषित रत्न भांडागारम में से लिया हुआ है। पिबन्ति नद्य श्वेमेव नाम्ब, श्वेमन खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय शताम विभूतय। ओके, ये बहुत अच्छा श्लोक है। पिबन्ति नद्य श्वेम एव, श्वेम मैं अलग हुआ, एव अलग हुआ, नाम बे का ने प्लस अम्ब, श्वेम ने खादन्ति फलांति फलानी वृक्षा, बिल्कुल अलग अलग है। नादन्ति का संधि विच्छेद होगा, ने प्लस अदन्ति, ठीक है ना, यहाँ ना का दीर्घ संधि से अलग हुआ, ने और अदन्ति अलग है। शस्यम खलु वारिवा अलग है, परोपकाराय शताम विभूतया, बिल्कुल अलग अलग है। अब इसका मैं अन्वय करता हूँ। नद्य प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बहुवचन है, नद्य है, श्वेमेव, ठीक है ना, श्वेम एव, फिर अंब है, अंब के बाद में ने, फिर पिबंती। ओके, नद्य श्वेम एव अंब ने पिबंती, पहले नंबरिंग याद करो, नद्य श्वेम एव अंब ने पिबंती, वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति। याद हुआ, वृक्ष है, फलानि स्वयं न खादन्ति, फिर न अदन्ति शस्यम खलु वारिवाहा, खलु का कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, वारिवाहा शस्यम न अदन्ति, वारिवाहा शस्यम न अदन्ति, बिकॉज सताम विभूतिय परोपकाराय, सताम विभूतिय परोपकाराय। नंबरिंग याद हो गया, अब हिंदी अनुवाद देखो कितना अच्छा है। नद्य यानी नदिये, स्वयं एव यानी खुद ही, स्वयं यानी खुद, एव यानी ही, अंब यानी पानी, अंब का मतलब होता है पानी, ने यानी नहीं, पिबंती यानी पीती है, नद्य बहुवचन है, पिबंती भी बहुवचन आएगा। नदियें स्वयं ही पानी नहीं पीती है, नदियें स्वयं ही पानी नहीं पीती है, ठीक है ना। वृक्षा यानी वृक्ष, फलानी यानी फलों को, स्वयं यानी खुद, ने यानी नहीं, खादंती यानी खाते हैं, वृक्ष फलों को खुद नहीं खाते हैं। ओके, और उसके बाद में वारी वाहा, वारी यानी पानी को, वाह यानी ढोने वाले, पानी को ढोने वाले कौन होते हैं, बादल, तो वारी वाहा का मतलब होता है बादल, बहुवचन है बादल। शस्यम यानी फसलों को, न अदन्ति नहीं खाते हैं, क्योंकि बादल बरसते हैं तो फसल होती है, फसल होती है तो बादल थोड़ी खाते हैं, बादल फसलों को नहीं खाते हैं, ठीक है ना। नदियों में पानी होता है लेकिन वो खुद नहीं पीती है, वृक्षों के फल होते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं, और बादलों में, बादलों से फसल होती है लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं, क्यों, क्योंकि ये नदियां, वृक्ष और बादल ये क्या है, ये सज्जन लोग हैं, इसलिए सताम है ना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सज्जन लोगों की, सताम यानी सज्जन लोगों की विभूति, विभूति का मतलब होता है संपत्ति, विभूति 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 है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सज्जन लोगों की विभूति है संपत्तियां, परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी में संप्रदान आता है के लिए, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए ही होती है, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। बहुत अच्छे से समझ में आया ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड अर्थ बोलना है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यूं पूरा कहानी नहीं बोलनी। नदिये स्वयं
ही पानी नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं, बादल फसलों को नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। हाँ, तो यहाँ गुणेशु एव ही, हाँ गुणेश्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो यपि नेश्वरेय गुणेश्वः। तो यहाँ काफी संधि है, गुणेशु एव, ये देखो वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बन जाता है, वह का ऊ बनता है तो वह के अंदर वाला स्वर है वो बाद वाले के साथ जुड़ जाता है, तो वह के अंदर क्या है, ए वह के साथ जुड़ा ए बन गया, वह का ऊ बना वो श के अंदर जुड़ा तो शु बन गया, गुणेशु गुणेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन रामेशु, गुणेशु एव, एव अव्यय है, गुणेशु शब्द रूप है, ठीक है ना, ही का कोई अर्थ नहीं है, कर्तव्य प्रयत्न पुरुषई, ये कर्तव्य प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन पुरुषई, तृतीया बहुवचन सदा आपका अव्यय है, गुण युक्त है, ठीक है ना, ये आपके प्रथमा एक वचन, दरिद्र है ये भी प्रथमा एक वचन, अपि उसके बाद में नेश्वरई, देखो ध्यान से ने के अंदर एक मात्रा है, गुण संधि है, ने प्लस ईश्वरई, ईश्वरई के बाद में इस रह का विसर्ग बन गया, तो विसर्ग रह का बना है उसके अंदर अ है वो बिल्कुल सही है, तो अगुणई है ना, ने ईश्वरई अगुणई समय, ओके समझ में आया कि नहीं आया, इसको अलग करके बता देते हैं, ठीक है, यहाँ देख लो गुणेशु ऐसा बना और इस एक और एव ऐसा बना, गुणेशु एव, यहाँ पर ने और इस ईश्वर रई, रई बिल्कुल यहाँ पर आ गया, इस रह का विशेषण बन गया, रह के अंदर वाला अगुणई बन गया, अगुणई समय है। अब इसका अनुवाद, यहाँ से अनुवाद शुरू होगा, पुरुषई यानी पुरुषों के द्वारा, है ना, तृतीय बहुवचन, पुरुषों के द्वारा सदा यानी हमेशा, पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणेशु यानी गुणों को प्राप्त करने में, गुणेशु यानी गुणों को प्राप्त करने में, एव यानी ही गुणों को प्राप्त करने में ही कर्तव्य प्रयत्न है, कर्तव्य यानी प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न यानी प्रयत्न, कर्तव्य यानी करना चाहिए, पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने में, मैं मतलब सप्तमी बहुवचन, गुणों मतलब बहुवचन है, इसलिए गुण को प्राप्त करने नहीं, गुणों को बहुवचन है, इसलिए गुणों को प्राप्त करने में एव यानी ही प्रयत्न ही यानी प्रयत्न, कर्तव्य यानी करना चाहिए, पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्लियर, गुण युक्त है, क्यों गुण की महिमा बताइए, गुण युक्त है यानी गुणों से युक्त, दरिद्र है यानी गरीब, अपि यानी भी गुण से युक्त गरीब भी, अब यहां ध्यान से देखो, अगुणई यानी बिना गुण वाले, अगुणई यानी बिना गुण वाले ईश्वरई, ईश्वर का मतलब यहाँ धनवान लोग है, ठीक है ना, धनवान लोगों के समय यानी समान न यानी नहीं होता है, मतलब उससे भी बढ़कर होता है, बिना गुण वाले धनवान के समान नहीं होता है, अब ये आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो यहां से करना है, अगुण यानी बिना गुण वाले ईश्वर यानी धनवान के समय यानी समान न यानी नहीं होता है, गुणों से युक्त गरीब भी बिना गुण वाले धनवान के समान नहीं होता है, क्लियर हुआ, गुण हाँ, अब पूरे का देख लो, पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को प्राप्त करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त गरीब भी, गुणों से युक्त गरीब होने पर भी बिना गुण वाले धनवान के समान नहीं होता है, अर्थात उससे बढ़कर होता है, मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से लिया गया है ये श्लोक, आपका नीति शतक से लिया गया है, राजा भर्तृहरि का ग्रंथ है, भर्तृहरि का नीति शतकम इस ग्रंथ में से लिया, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही यहाँ पर मार्मिक बात बताई हुई है, आरंभ गुरु वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा व्रतिमतिश्च पश्चात दिनस्य पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना छायेव मेत्री खल सज्जना नाम, है ना, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है,
आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये वे मित्री खल सज्जनानाम। पहले शब्दों को अलग करता हूँ फिर अन्वय करेंगे। आरंभ गुरुवी क्षयिणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, बिल्कुल दो लाइनों में अलग अलग है। फिर दनस्य, यहाँ मिस्ट्री है देखो, पूर्वार्थ, पूर्वार्थ के अंदर पूर्व प्लस अर्थ, परार्थ के अंदर पर प्लस अर्थ, ठीक है ना, पूर्व अर्थ पर अर्थ भिन्ना, आया समझ में। छायेव के अंदर छाया प्लस इव है, गुण संधि है, छाया प्लस इव, छाया का अलग अर्थ होगा, इव का अलग होगा, याद रखना। मेत्री खल अलग है, सज्जना नाम अलग है, खला नाम सज्जना नाम जय ना वृद्धि आपकी, ये यहाँ पर द्वंद्व समास है। अब इसका अनुवाद और अन्वय साथ में करते हैं। कुछ शब्दों का यहाँ रिपीटेशन करना पड़ेगा, दो बार अर्थ करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको, इस श्लोक का अनुवाद आपने कर लिया तो समझो आपने, आप संस्कृत के कोई भी श्लोक का अनुवाद कर सकते हो। देखिए ध्यान से, खल सज्जना नाम का मैंने समास विग्रह किया, खला नाम सज्जना नाम जय, तो पहले आएगा खला नाम, ठीक है ना, षष्ठी बहुवचन है, खल सज्जना नाम मतलब खला नाम सज्जना नाम जय, तो पहले आएगा खला नाम मैत्री, खला नाम मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव, ठीक है ना, खलस्य मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव, आरंभ गुरुवी क्रमेण छहिणी। ओके, एक बात यहां पूरी हो जाएगी, कहां पर, खला नाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिणी। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, सज्जना नाम, खला नाम हो गया, सज्जना नाम यहां पर दिनस्य मैत्री दो बार अर्थ होगा, दिनस्य का दो बार होगा, छायव का, इन तीनों का दो दो बार अर्थ होगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए, खला नाम तो हो गया, अब सज्जना नाम, सज्जना नाम मैत्री दिनस्य, अब आएगा परार्थ, पूर्वार्थ तो खल के साथ जुड़ गया, अब आएगा परार्थ, सज्जना नाम, ध्यान रखो, ध्यान भटकाओ मत, हार्ड मत लगाओ, क्योंकि ये चीज गहरी है तो थोड़ा भारी लगेगा। सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्थ छाया इव पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति। ओके, सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्थ छाया इव पुरा लघ्वी वृद्धिमति, नहीं पश्चात च वृद्धिमति, ठीक है। अब लास्ट में क्या आएगा, खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना, खल सज्जना नाम दोबारा आएगा, मैत्री तीसरी बार आएगा, और भिन्ना यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, भिन्ना। ओके, अब देखो यहाँ पर मित्रता के बारे में बताया है, दुष्ट लोगों की मित्रता कैसी होती है, दो पैर से पहले की छाया की तरह होती है, दो पैर से पहले की छाया कैसी होती है, मान लो अपन धूप में जाके खड़े रहेंगे ना, तो सूर्य उदय होते हैं समय अपन धूप में खड़े रहेंगे तो अपनी छाया लंबी होती है ना, फिर दोपहर तक वो छाया क्या होती है, धीरे 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 छोटी होने वाली होती है, तो दोपहर से पहले की छाया कैसी होती है, शुरुआत में लंबी होती है और धीरे धीरे छोटी हो जाती है, ऐसे दुष्ट लोगों की मित्रता होती है, शुरुआत में लंबी होती है और बाद में छोटी होने वाली होती है, फिर सज्जन लोगों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, दोपहर के बाद की छाया कैसी होती है, दोपहर में स्टार्टिंग में कैसी होती है, छोटी होती है, फिर धीरे 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 सूर्य पश्चिम की ओर जाता है, अपनी छाया है वो पूर्व की ओर चली जाती है, लंबी होने वाली होती है, ठीक है ना, दोपहर के बाद की छाया शुरुआत में छोटी और बाद में लंबी होने वाली होती है, इस तरीके से सज्जन लोगों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान होती है और दुष्ट लोगों की छाया है वो दिन की शुरुआत मतलब दोपहर से पहले की छाया के समान होती है, इस प्रकार दुष्ट लोगों और सज्जन लोगों की छाया अलग अलग होती है। ये तो मैंने कहानी सुनाई, अब मैं यहाँ पर इस शब्दों के अकॉर्डिंग करता हूँ, खला नाम से अनुवाद देखो, पूरे के अंदर खला नाम से अनुवाद शुरू हो रहा है, खला नाम, खल का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट लोगों की मैत्री यानी मित्रता दिनस्य यानी दिन के पूर्व अर्ध, अर्ध का मतलब होता है दोपहर, दोपहर से पूर्व यानी पहले, दोपहर से पहले की छाया इव यानी छाया के समान, छाया के समान
अब छाया कैसी? आरंभ, शुरुआत में गुरुवी, गुरु है ना, गुरुवी, गुरुवी यानी लंबी, आरंभ गुरुवी यानी शुरुआत में लंबी, और क्रमेण यानी क्रमशः, क्षयणी यानी छोटी होने वाली होती है, क्रमशः छोटी होने वाली होती है, शुरुआत में लंबी और बाद में क्रमशः छोटी होने वाली होती है। बात खत्म, दोबारा देख लो। दुष्ट लोगों की मित्रता दिन में दोपहर से पहले की छाया के समान, छाया इव, इव का मतलब होता है के समान, शुरुआत में लंबी और बाद में क्रमशः छोटी होने वाली होती है। अब सज्जना नाम देखो, सज्जना नाम सज्जन लोगों की मैत्री मित्रता दिनस्य दिन की परार्ध यानी अर्ध पर, अर्ध का मतलब होता है दोपहर से पर यानी बाद, दोपहर से बाद की छाया इव छाया के समान। दोबारा बोलता हूँ, सज्जन लोगों की मित्रता दिन की दोपहर के बाद की छाया के समान, पहले पूरा यानी पहले, लघवी यानी छोटी, शुरुआत में छोटी, पूरा यानी शुरुआत में, लघवी यानी छोटी, चय यानी और, पश्चात यानी बाद में, वृद्धिमती यानी लंबी होने वाली होती है, शुरुआत में छोटी और बाद में लंबी होने वाली होती है। सज्जन लोगों की मित्रता दिन के दोपहर के बाद की छाया की तरह शुरुआत में छोटी और बाद में लंबी होने वाली होती है। अब ये बिन्ना बच गया तो बिन्ना को यहाँ सेट करेंगे। खल सज्जना नाम, इस प्रकार खल सज्जना नाम यानी दुष्ट और सज्जनों की मैत्री यानी मित्रता भिन्ना यानी अलग अलग होती है। इस प्रकार दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता अलग अलग होती है। एक बार फिर से देख लो पूरा, ठीक है ना। दुष्ट लोगों की मित्रता दिन में दोपहर से पहले की छाया की तरह शुरुआत में लंबी और बाद में क्रमशः छोटी होने वाली होती है। सज्जन लोगों की मित्रता दिन में दोपहर के बाद की छाया की तरह शुरुआत में छोटी परंतु बाद में लंबी होने वाली होती है। इस प्रकार दुष्ट लोगों और सज्जन लोगों की मित्रता अलग अलग, मित्रता अलग अलग होती है। क्लियर हुआ ना। अब अपन लेते हैं सातवां श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर् हंसा मयि मंडल मंडनाय हानि स्तुतेषामीशरोवराणाम् येषाम् अरालये स विप्रयोग। यहां तो बहुत छोटी सी बात लिखी है, हंसा यानी हंस, यत्र कुत्र अपि गता भयेयु, ठीक है ना। पहले अन्वय बता देते, हंसा यत्र अपि कुत्र अपि का यत्र कुत्र अपि एक बार अपि आएगा, गता भवेयु ये है के ऊपर वाला रहे ना, इसका विसर्ग बन गया, इधर भवेयु बन गया। मही मंडल, मही मंडल, फिर मंडनाय अलग है, मही अलग है, मंडल अलग है, मंडनाय अलग है। हानि ही तू आदेश है का विसर्ग बनेगा, तेषाम सरोवराणाम, ठीक है ना, तेषाम सरोवराणाम येषाम मरालई सह विप्रयोग, बिल्कुल सिंपल है। हंसा यानी हंस, यत्र कुत्र अपि, यत्र यानी जहां, कुत्र यानी कहीं, अपि यानी भी, गता यानी गता भवेयु गए हो, हंस जहां कहीं भी गए हो या जाते हैं, मही यानी संपूर्ण पृथ्वी मंडल, पृथ्वी मंडल, मही का मतलब होता है पृथ्वी मंडल या संपूर्ण पृथ्वी को, मंडनाय यानी सुशोभित करने के लिए ही होते हैं, धरती की शोभा बढ़ाने के लिए होता है ना, भूमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए, मंडनाय चतुर्थी विभक्ति है, शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है ना, भामिनी विलास का ये है। हंस जहां कहीं भी गए हो भूमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। हानि ही तू, हानि तो तेषाम उन सरोवराणाम सरोवरों की होती है, हानि यानी हानि, तू यानी तो, तेषाम यानी उन सरोवराणाम यानी सरोवरों की होती है, येषाम यानी जिनके, येषाम यानी जिनके, मरालई, मराल किसे कहते हैं, हंसों को कहते हैं, हंसों से, हंसों के सह यानी साथ विप्रयोग है यानी वियोग हो जाता है, हंसों के साथ वियोग हो जाता है, मतलब जिन सरोवरों से हंस उड़ जाते हैं उनकी हानि होती है।
हंस तो जहां कहीं भी गए हो भूमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। हानि तो उन तालाबों की होती है जिनके हंसों के साथ वियोग हो जाता है। क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ तो दोबारा देख लो। अब अपना अंतिम और आठवां श्लोक है वो हितोपदेश से लिया हुआ है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आश्वाद्यतो या प्रवन्ति नद्य समुद्रम आशाद्य भवन्त्य पेयः। यहाँ पर भी काफी संधि है तो ध्यान से देख लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। ये भवन्ति लास्ट में आएगा, बाकी सब सेट टू सेट है। आश्वाद्य तो यह प्रवंति नद्य, तो नद्य स्टार्ट में आएगा। नद्य आश्वाद्य तो यह प्रवंति, नद्य क्या करते आश्वाद्य तो यह प्रवंति, परंतु समुद्रम आशाद्य अपेयः भवन्ति। यहाँ पर भवन्ति और अपेया अलग अलग है। देख लीजिए यहाँ संधि हुई है, दोनों संधि कर दिया आपके। तो यहाँ देखिए समुद्रम मैं हलंत हुआ तो अंदर से आ निकल गया। मैं हलंत ऐसे होता है, उसके अंदर से आ निकल गया आशाद्य। समुद्रम आशाद्य भवन्त्य, देखो यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है यण संधि से। अभी ऊपर अपने वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बनता है, वो भी यण संधि से होता था। तो यहाँ पर यह से पहले तय है तो तय का ती बन जाएगा, आधा न वैसा का वैसा है। उसके यह से जस्ट पहले है उसमें ई बनेगा, वो जुड़ेगा, तो यहाँ पर भवन्ति बन गया, ठीक है ना। और यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होगी तो वहां क्या हो जाएगा अपेयः, क्या हो जाएगा अपेयः। समुद्रम आशाद्य भवन्ति अपेयः, ठीक है ना। तो मैंने क्रम तो आपको बता दिया, याद हो गया। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति, नद्ये आश्वाद्य तो या प्रवहन्ति, परंतु समुद्रम आशाद्य अपेयः भवन्ति। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। देखिए अभी तक आप लोग ये देख रहे हो तो इसका अनुवाद करने के बाद में हम प्रश्नोत्तर भी आपको कराएंगे, शब्दार्थ भी करवाएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पर पूरे के पूरे पाठ पढ़ाए हुए हैं। कक्षा छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाए हुए हैं। अपने सहपाठियों को, अपने भाई बंधुओं को, सबको बताएं, अपने स्कूल वालों के, हमारे चैनल पर छठी से दसवीं संपूर्ण संस्कृत पूर्ण तैयार पढ़ाई हुई है, पूरा सिलेबस पढ़ाया बिल्कुल निःशुल्क ट्यूशन की तरह। अब इसका अनुवाद देखते हैं। देखिए गुणाः यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणवान लोगों में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, गुणा के अंदर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग हो गया है, बाकी गुणाः प्रथमा एक बहुवचन है, गुण है गुणौ गुणाः, ठीक है ना। गुणाः यानी समझ में आ गया, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः यानी गुण बहुवचन है, ठीक है ना। हिंदी में गुण कहो चाहे बहुत सारे गुण कहो, गुण ही कहते हैं। गुणज्ञेषु यानी गुणवान लोगों में गुणा यानी गुण भवन्ति यानी होते हैं, जो गुण होते हैं ना अच्छे गुण, वो गुणवान लोगों में गुण होते हैं। और वे ही गुण ते यानी वे क्या गुण, वे गुण निर्गुणम यानी बिना गुण के लोगों को, निर्गुणम यानी बिना गुण के लोगों को प्राप्य, निर्गुणम प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन है, मतलब कर्म कारक है, बिना गुण के लोगों को प्राप्य प्र आप और लेप प्रत्यय प्राप्त करके, लेप का मतलब होता है करके, प्राप्य यानी प्राप्त करके दोषा यानी दोष भवन्ति यानी हो जाते हैं। अगर किसी आदमी में कोई गुण है, ठीक है ना, तो वो गुण बिना गुण के लोगों को प्राप्त करेंगे तो वो क्या दोष हो जाएगा। कैसे, जैसे कोई धर्मात्मा व्यक्ति है और वो फल बांट रहा है तो लोग क्या कहेंगे ये इसका अच्छा गुण है, ठीक है ना। और वो फल बांटने का गुण अगर किसी दुष्ट व्यक्ति में है जो मतलब कपट करता है, चोरी करता है, दूसरों के साथ धोखा करता है, बहुत बुरा व्यक्ति है, वो कहीं जाकर के फल बांटना शुरू कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे इनसे फल मत लेना, फल में जहर हो सकता है, यानी उसमें वो गुण है लेकिन वो दोष बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। गुण गुणवान लोगों में गुण होते हैं और वे ही गुण बिना गुण के लोगों को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। जिस तरीके से नद्य है यानी नदी आश्वाद्य, आश्वाद्य यानी मीठा, तोया यानी पानी, तोया है यानी पानी, तोय पानी को कहते हैं, ठीक है ना, पानी प्रवहन्ति यानी बहाती है, नदी मीठा पानी बहाती है, लेकिन समुद्रम यानी समुद्र को आशाद्य यानी प्राप्त करके, आशाद्य यानी आ उपसर्ग साध धातु और लेप प्रत्यय है,
समुद्रम आशाद्य यानी समुद्र को प्राप्त करके कौन वो मीठा पानी अपेया अपेया यानी नहीं पीने योग्य पेया यानी पीने योग्य अपेया यानी नहीं पीने योग्य अर्थात खारा अपेया का अर्थ क्या बोलोगे नहीं पीने योग्य अर्थात खारा भवंती यानी हो जाता है नहीं पीने योग्य अर्थात खारा हो जाता है ठीक है ना क्योंकि समुद्र में गुण नहीं है नदियों में गुण है मीठा पानी रखने का नदियां मीठा पानी बहाती हैं लेकिन समुद्र को प्राप्त करके नहीं पीने योग्य अर्थात खारा हो जाता है ये अपना अनुवाद हो गया एक बार फिर देख लो गुण गुणवान लोगों में गुण होते हैं वे गुण बिना गुण के लोगों को प्राप्त सॉरी गुण गुणवान लोगों को गुण गुणवान लोगों में गुण होते हैं वे गुण बिना गुण के लोगों को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं जिस प्रकार नदियां मीठा पानी बहाती हैं लेकिन समुद्र को प्राप्त करके नहीं पीने योग्य अर्थात खारा हो जाता है अब थोड़ा शब्दार्थ पे भी ध्यान दे देते हैं पढ़ते हैं लेकिन एक बार बोला हुआ सुनते हैं तो उसमें थोड़ा ज्ञान और बढ़ जाता है वित्तम यानी धन धन ऐश्वर्य देखो ये अपना श्लोक का शब्द है इसको सरल संस्कृत में लिखा है फिर हिंदी में लिखा है फिर उसको इंग्लिश में लिखा है ठीक है ना वित्तम यानी धनम वित्तम धनम धन ऐश्वर्य मनी वृत्तम आचरण आचरणम आचरण चरित्र कंडक्ट अक्षीण न क्षीण संपन्न नष्ट न हुआ नॉट एग्जैक्टेड धर्म सर्वस्वम कर्तव्य सार धर्म कर्तव्य बोध का सब कुछ धर्म का सब कुछ गिस्ट ऑफ रजिस्टर्सनेस प्रतिकूलानी विपरीतानी अनुकूल नहीं है एवरसाइज तोष्यंती तोषम अनुभवंती संतुष्ट होते हैं बिकम सेटिस्फाइड यहां देखिए वक्तव्यम कथनीयम कहना चाहिए वात सैन वारी वाहा मेघा जल वहन करने वाले बादल क्लाउड्स विभूति यानी समृद्ध संपत्तियां रिचेज गुणयुक्त है गुणवान गुण संपन्न है गुणों से युक्त मेरिटेरियस अगुणहीन गुण रहिती गुणहीन गुणहीनों से विद पीपल विदाउट एट्रिब्यूटेड आरंभ गुरुवी आदो दीर्घा आरंभ में लंबी बिगर इन द ब्राइनिंग और क्षयणी क्षयशीला घटृति स्वभाव वाली है ना रेडियोशील अब है वृत्तिमती वृत्तिम उपगता लंबी हुई है ना इंक्रीजिंग पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना पूर्वार्थेन परार्थेन च पृथकभूता पूर्वाण और अपराण छाया की तरह अलग अलग डिफरेंट इतना है ना फिर खल सज्जनानाम दुर्जन सुजनानाम दुष्टों और सज्जनों की ऑफ बेड एंड गुड पीपल मही मंडल पृथ्वी मंडलाल मंडलाल लाल लालंकरणाय ठीक है ना मंडल लालंकरणाय मही मंडल मंडनाय पृथ्वी मंडल लालंकरणाय मंडल अलंकरणाय ठीक है ना तो यहां होगा पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए फॉर एम्ब्लेजनिंग द अर्थ मरालय हंसई हंसोशे विद स्वैंग्स विप्रयोग है नहीं वियोग अलग होना इस सेपरेशन सेपरेशन गुणज्ञेषु गुण ज्ञात्रिषु जनेषु गुणों को जानने वाले लोगों में अमंग कॉनजिनेसेंस आश्वादितोया स्वादनीय जल संपन्न स्वादयुक्त जल वाली फिल्ड विथ टेस्टी वाटर आश्वाद्य यानी प्राप्त प्राप्य पाकर रिची अपेया न पेया न पान योग्य न पीने योग्य अनड्रिंकेबल ओके ये हो गए अपने शब्दार्थ अब प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत एक शब्द में उत्तर लिखना है वित्तता क्षीण है की दर्शय भवति धन के क्षीण होने पर कैसा होता है ना तो वित्तता क्षीण है अक्षीण है भवती तो एक पद में लिखना है अक्षीण है उत्तर हो जाएगा कुछ भी नहीं होता है कुछ भी क्षीण नहीं होता है
कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समयचरेत, किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, तो आत्मने प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समयचरेत। लेकिन एक शब्द में लिखना है आत्मने, आत्मने में षष्ठी एक वचन है, कस्य में भी षष्ठी एक वचन है। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहां पर गरीबी नहीं होती है, गुण युक्ते सति, गुण युक्त होने पर भी गरीबी नहीं होती है, गुण युक्ते सति दरिद्रता न भवेत, गुण युक्त होने पर भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। वृक्षा स्वयं कान इन्हें खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, वृक्ष फलानी, ठीक है ना, तो कानी की जगह फलानी आएगा, लेकिन पूरा वाक्य लिखना है तो एक शब्द लिखना है फलानी। का पूरा लघवी भवती, कौन पहले लघवी होती है, तो दिनस्य परार्थ छाया पहले लघवी होती है। उत्तर लिख के आपको बता देते हैं, अभी आप देख सकते हो आंसर स्टर शीट लगा के स्क्रीनशॉट लेकर के आप सुरक्षित रख सकते हो। वित्त क्षीण कीदृश भवती, धन के क्षीण होने पर अक्षीण भवती, ठीक है ना, किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ न समाचरित, आत्मने हो जाएगा। कुत्र दरिद्रता न भवती, गुण युक्ते सति, गुण युक्त होने पर भी गरीबी नहीं होती है। वृक्षा स्वयं कानी ने खादंती फलानी, का पूरा लघवी भवती, कौन पहले लघवी होती है, दिनस्य प्रार्थ छाया, दिन में दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी होती है। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, यत्नेन किम रक्षेत, यत्न पूर्वक क्या रखना चाहिए, वित्तम धन वा या फिर चरित्र, धन या चरित्र, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, ये देख लीजिए, दूसरे का क, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, न कि धन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अश्मा भी किम न समाचरेत, हमारे द्वारा क्या नहीं करना चाहिए, कीदर्शम आचरण न कर्तव्यम, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर देख लीजिए। दूसरे का ख, आत्मने प्रतिकूलानि अश्मा भी परेशान न समाचरेत, नहीं आचरण करना चाहिए, समझ में आया, अपने आप को प्रतिकूल लगने वाला हमारे द्वारा दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। अब गय प्रश्न है, जंतवे केन तुष्यन्ति, सभी प्राणी किससे प्रसन्न होते हैं, प्रिय वाक्य प्रधान है, तो उत्तर कैसे लिखोगे, उत्तर इस तरीके से होगा, प्रिय वाक्य प्रधान है, जंतवे तुष्यन्ति, प्रिय वाणी बोलने से प्राणी प्रसन्न होते हैं, या फिर जंतवे प्रिय वाक्य प्रधान है तुष्यन्ति, दो भी राइट है। अब आपका अगला प्रश्न है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवती, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, इसका आंसर ऐसे होगा, सज्जनानां मैत्री दिनस्य प्रार्थ छाया इव पुरा लघवी पश्चात् च वृद्धिमति भवती, है ना, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवती, सज्जनों लोगों की मित्रता कैसी होती है, सज्जन लोगों की मित्रता दिन में दोपहर की बाद की छाया की तरह पहले छोटी और बाद में बड़ी होने वाली होती है, बहुत ही सटीक आंसर है ये, स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख लें। यहाँ पर आपका यह अंतिम क्वेश्चन है, सरोवरानाम हानि कदा भवती, तालाबों की हानि कब होती है, तो इसका उत्तर ये होगा, मरालय सह विप्रयोगेन सरोवराणाम हानि भवती, हंसों के साथ वियोग होने पर तालाबों की हानि होती है, ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या स्तंभ में विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है, क्या स्तंभ में विशेष्य है, मेन शब्द यहाँ पर है, तानी यथा उचितम योजित, उनको उचित अनुसार योजित यानी जोड़ना चाहिए, आगे लिखा है योजित योजित, ठीक है ना, क्या स्तंभ को क्या स्तंभ से जोड़ना है, अशद्य तो या नद्य है, ठीक है ना, अशद्य तो या नद्य है, और गुण युक्त है, गुण युक्त कौन होता है, दरिद्र, ठीक है ना, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना कलानाम मैत्री, है ना, दिन से पूर्व कौन होती है, कलानाम, परार्ध भिन्ना सज्जनानाम मैत्री, बिल्कुल इस तरीके से इसका हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी आपका चौथा क्वेश्चन है कि अधोलिखित यो श्लोक दयो आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखत, नीचे लिखे श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है, तो अपन हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन इनका तो हमने पाठ में कर दिया तो दोबारा जरूरत नहीं है, फिर भी अपन बता देते हैं, दुष्ट लोगों की मित्रता दिन में दोपहर से पहले की छाया की तरह
शुरुआत में लंबी और बाद में क्रमशः छोटी होने वाली होती हैं। सज्जन लोगों की मित्रता दिन में दोपहर के बाद की छाया की तरह शुरुआत में लंबी और बाद में शुरुआत में छोटी और बाद में लंबी होने वाली होती है। इस प्रकार दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता अलग अलग होती है। इसका आशय स्पष्ट करते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट होते हैं, या फिर प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी है। अब ये आपका पांचवा क्वेश्चन। अधोलिखित पदे भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों में से भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुन करके लिखना है। तो ये तो वेंटिलेबिलिटी का सवाल है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। तो यहाँ पर वक्तव्यम तव्यत प्रत्यय, कर्तव्यम तव्यत प्रत्यय, हंतव्यम तव्यत प्रत्यय, लेकिन सर्वस्वम में तव्यत प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये भिन्न हो गया। क्या हो गया? सर्वस्वम आपका भिन्न हो गया। फिर यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, ठीक है ना। तो यत्नेन में तृतीया, प्रिय वाक्य प्रदानेन में तृतीया, मरालेन के साथ तृतीया, और वचने में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए ये आपका भिन्न हो गया। शब्द रूप धातु रूप याद होंगे तो होंगे, ऐसे कैसे होंगे। श्रीयताम, अवधार्यताम, धनवताम और क्षम्यताम, ठीक है ना। इसके बाद में धनवताम होगा क्योंकि बाकी सभी क्रिया है और ये आपका संज्ञा शब्द है। जंतव है, नद्य है, विभूतय, परित है। जंतव शब्द रूप, नद्य शब्द रूप, विभूतय शब्द रूप, परित है, अव्यय है आपका, इसलिए परित है आपका भिन्न हो गया। छठा प्रश्न वेरी इजी, देखिए छठे प्रश्न को। स्थूल पदानी आदित्य प्रश्न वाक्यम निर्माणम कुरुत, स्थूल यानी हाईलाइट पदानी पदानों को अधिकृत आधार मानकर प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, प्रश्न वाक्यों का निर्माण करना। तो ये चीज कई बार आपको बताई हुई, पीछे वाले सारे पाठों में अभी भी बता देते हैं कि जो हाईलाइट है उसके अंदर लिंग और वचन का ध्यान रखते हुए उसके किम सर्वनाम शब्द का रूप लिखना है, बाकी इसकी जगह खड़ी पाई की जगह क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वृत्ततः, ये आपके षष्ठी विभक्ति है, तो वृत्ततः की जगह आपको क्या लिखना है, वृत्ततः की जगह कस्य, क्या लिखना है, कस्य, बाकी सेम टू सेम लिखना है और खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह करना है। तो वृत्ततः क्षीणे हतः भवति, तो कस्य क्षीणे हतः भवति, समझ में आ गया ना। ऐसी क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन इसके अंदर ही है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, तो धर्म सर्वस्वम की जगह किम आएगा, ठीक है ना, क्या क्या सुनकर धारण करना चाहिए, धर्म को पूर्णतया सुनकर धारण करना चाहिए। और उसके बाद में वृक्षः फलम खादन्ति, फलम न खादन्ति, तो वृक्ष प्रथमा विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग है वृक्ष, इसलिए पुल्लिंग का कह कहू के फलम ने खादंती, ठीक है। शब्द का रूप याद करो और उसका शब्द रूप हमारे चैनल पर जाकर के देखो ना, आप शब्द रूप पूरे समझाओ, एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। कला नाम मैत्री आरंभ गुरु भी भवती, तो केशाम षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, केशाम मैत्री आरंभ गुरु भी भवती, खला नाम की जगह मैत्री आ जाएगा, समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन बनाना आपको। सातवां क्वेश्चन है, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्यत, नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में चेंज करना, जैसे सह पाठम पढ़ती वह पाठ पढ़ता है, सह पाठम पढ़तु वह पाठ पढ़े। तो यहाँ पर नद्य आश्वाद्य तो या शंति, शंति का हो जाएगा शंतु, बाकी सेम टू सेम लिखना है, आ गया ना समझ में। नद्य आश्वाद्य तो या शंतु, ठीक है ना, नदियों में मीठा पानी है, नदियों में मीठा पानी हो, ठीक है ना, ऑर्डर दिया जाता है। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो वदति की जगह आ जाएगा वदतु, बाकी सेम टू सेम आएगा, लोट लकार में चेंज करना है ना। त्वं परेषां परितिकुलानि न समाचर्षि, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो समाचरते, समाचरते, समाचरन्ति, समाचर्षि, तो समाचरतु, समाचरताम, समाचरन्तु, समाचर, तो इसकी जगह समाचर आ जाएगा, स स मा चर समाचर, ठीक है ना, ये आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आएगा। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति, तो संरक्षन्तु आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, संरक्षन्तु, बाकी सेम टू सेम आएगा, खड़ी पाई की जगह खड़ी पाई आएगी। अहम् परोपकाराय कार्यम करोमि, करोमि करोति करुते करवन्ति करोषि कुरुते कुरुते करोमि, तो लोट लकार में क्या होगा, करो तु कुरुताम कुरंतु करो कुरु कुरुतम कुरुत करवाणी, फिर क्या आएगा, करवाणी करवाव करवाम,
तो ये करवाणी आ गया, अहम परोपकार कार्य करवाणी। इस तरीके से ये अपना पाठ पूरा हो गया है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और पहले से पांचवां, चौथा तो है ही, यानी व्याकरण और सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप लोग जैसे जैसे आप प्रश्नोत्तर वगैरह ऐसे जैसे ट्यूशन की तरह पढ़ रहे हो ना, पास में बैठे करके पेन से ऐसे पढ़ा रहे हैं, इसे कहते हैं बैकग्राउंड टीचिंग। हम बैकग्राउंड टीचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है। आप इसी तरह से ये पढ़े, पूरी ग्रामर पढ़ाई हुई है, दसवीं में आपके बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ में आप नौवीं में पढ़ते हैं तो आपको इतना भी पता होगा कि थर्ड ग्रेड के अंदर रीट होता है, रीट एग्जाम में जो संस्कृत आती है 30 नंबर की, ठीक है ना, आपके जो भी रीट एग्जाम देने वाले हैं उनके रीट के अंदर 30 नंबर का संस्कृत का पोर्शन है, तो उस 30 नंबर में पूरी ग्रामर और शिक्षण विधियां वो भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, इसलिए उनको भी आप बताएं कि रीट संस्कृत है ना, रीट नहीं, रीट के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं संस्कृत के, वो भी हमारे चैनल पर पढ़ाए हैं, उनके भी आप बताएं, और हमारे चैनल पर बड़े आराम से निःशुल्क रूप से पढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को, मधुर वाणी को विराम देते हैं। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।